हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अडोन विद सोनिया। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक सुंदर एंड इजी क्राफ्ट आइडिया। जिसे मैंने बनाया है एक इनविटेशन कार्ड से। तो इस कार्ड में बहुत ही सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स थी, जिसमें एक दूल्हे की थी, एक दुल्हन की थी। तो दुल्हन वाला पार्ट तो मैंने पहले ही बना लिया। मैं आपके साथ यहाँ पर दूल्हे वाला पार्ट शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है और उसकी एजेस को हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने फेविकॉल को लगा कर उस पर पिक्चर पेस्ट करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एवनली फेविकॉल को स्प्रेड कर लिया है ब्रश की हेल्प से और फिर इसे अच्छे से चिपका दिया है। अच्छे से पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक खाली जगह थी साइड में, तो उसे मैंने यहाँ पे एक आर्ट से, जिसे पिछवाई आर्ट कहते हैं, उससे फिल कर किया है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा उसमें भरा नहीं है, कुछ दो फ्लावर्स और कुछ लीफ बनाकर फिल करने की कोशिश की है। तो जो दुल्हन वाला पार्ट था वो बहुत ही येलो कलर का था, तो उसमें मैंने पिंक कलर के फ्लावर बनाए हैं, जो कि बहुत ही फेमस है पिंक पिछवाई आर्ट में। तो यहाँ पर फिर मैंने येलो से मिसमैच करता हुआ येलो फ्लावर बनाया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कैमल का जो ब्रश पेन लेकर, जो बहुत ही फैट पार्ट था जिसमें बहुत ही कम कलर था, तो उसमें मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दी ताकि ये कुछ थोड़ा अच्छा दिखे, कलरफुल दिखे। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था कि इसे हाईलाइट कर देना चाहिए, तो उसे मैंने हाईलाइट कर दिया। दुल्हन वाला पार्ट भी सेम इसी तरह का था, तो मैंने उसे शेयर नहीं किया, सेम मैंने उसे को इसी की तरह से बनाया था और सेम वर्क उसी में भी था। फिर मैंने यहाँ पर ग्लिटर पेन लिया है और कुछ आउटलाइंस को ड्रॉ कर दिया। इसके फ्रेम को येलो कलर से पेंट कर दिया और बॉर्डर्स में मिरर्स को लगा दिया। यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के स्टोन्स थे, तो उसे भी मैंने यहाँ पर कहीं कहीं जगहों पर स्टिक कर दिया। और ये है इसका फाइनल लुक। इसी तरह मैंने दूसरे फ्रेम बनाने के लिए इसका एक और पार्ट लिया था, तो यहाँ पर इसका कलर अच्छा था, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने फिर इसे ऐसे ही एक और कार्डबोर्ड लेकर उसमें चिपका दिया और साइड में कलर कर दिया और कुछ स्टोन्स लगाकर ये फ्रेम रेडी हो गई थी। और ये है दुल्हन वाला पार्ट, जो कि सेम दूल्हे की तरह ही है। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। और ये है सभी फ्रेम्स का फाइनल लुक। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर बताना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।